नमस्कार बच्चों बच्चों, आज मैं 9th क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंटिन्यू रखते हुए इसकी एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, क्या कहा, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक दिन में एक दिन एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर पानी की जरूरत है। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर। उस गांव में एक पानी का टैंक है जो 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। फोर, हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब इसने क्या कहा, जो टैंक में पानी है वो कितने दिन चलेगा ये हमने बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं टैंक की वॉल्यूम निकालूंगा, लेंथ ऑफ टैंक, ट्वेंटी मीटर, ब्रेथ ऑफ टैंक वो हमारा 15 मीटर एंड हाइट है, हाइट ऑफ टैंक 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक टैंक की जो वॉल्यूम होगी वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, मीन 20 × 15 × 6 मीटर³। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300, 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ गया m³। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर, लीटर्स। तो देखिए 1800, हमें पता है 1 m³ में 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो 1800 × 1000 लीटर में आया। तो ये आ गया 1800000 लीटर के इक्वल। अब जरा देखिए, एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर पानी की जरूरत है, वाटर रिक्वायर्ड 4 1% फॉर वन डे, एक दिन के लिए एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होगी 150 लीटर एंड वाटर रिक्वायर्ड 4000% पर डे, 4000 × 150। तो आप 15 4 60, ये आ गया हमारा 600000 लीटर। मतलब एक दिन में 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की जरूरत होगी 600000 लीटर पानी की। तो अब नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज विल द वाटर ऑफ टैंक लास्ट। तो जो वॉल्यूम आई थी टैंक की 18 लाख अपॉन 6 लाख, तो ये कट जाएगा, 3 के इक्वल आ गया, 3 डेज। तो जो पानी है वो टैंक में वो 3 दिन चलेगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर × 25 मीटर × 10 मीटर। ये 10 नहीं है, 15 आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है। 40 मीटर × 25 मीटर × 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर × 1.25 मीटर × 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड
इन द गोडाउन, क्या का कोई गोदाम है जिसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। अब उसमें उस गोदाम में नंबर ऑफ क्रेट्स रखनी है, वुडन क्रेट्स रखनी है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड जो हाइट है वो है 0.5 मीटर। तो नंबर ऑफ क्रेट्स निकालनी है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। तो लेंथ ऑफ गोडाउन वो दी है हमारी 40 मीटर, ब्रेथ दी है 25 मीटर एंड हाइट दी हमारी 15 मीटर। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ गोदाम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन 40 × 25 × 15 मीटर क्यूब। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, वुडन क्रेट्स वो होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 1.5 × 1.25 × 0.5 मीटर क्यूब। देन नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने, नंबर ऑफ क्रेट्स देखिए, नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट्स तो हो जाएगा हमारा 40 × 25 × 15 अपॉन 1.5, इसका डेसिमल हटा के लिखूंगा, 15 × 1 × 25 × 5 इनके डेसिमल हटाए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, 1.5 का डेसिमल हटाया तो 10 हो गया ऊपर, 1.25 का डेसिमल हटाया तो 100 हो गया एंड 0.5 का डेसिमल हटाया तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करते। देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 × 25, 25 × 5 = 125, 15 से 15 कट गया, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 2 = 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई 160 एंड 00, तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ गया हमारे 16,000 क्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, क्या कहा, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और वो कट की गई, काटी गई 8 क्यूब में जिसकी इक्वल वॉल्यूम है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब है उसकी साइड क्या होगी, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और जो नई क्यूब आई और जो पहले वाली क्यूब थी उन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले मैं इस सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम निकालूंगा, देन आफ्टर जो वॉल्यूम आई उसको मैं एट से, सबसे पहले हम सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे, देन आफ्टर उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो नई क्यूब है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, देन आफ्टर उस जो नई क्यूब है उसकी साइड निकालेंगे, देन सरफेस एरिया दोनों क्यूब का निकालेंगे, फिर उनका रेशियो। तो जरा देखिए, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब वो है हमारा 12 सेंटीमीटर, देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब मीन साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 12 × 12 × 12 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ
वन स्मॉल क्यूब, इस वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करेंगे हम, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 18 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 12 एंड 9 हो गया 21, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसकी अब हम साइड निकालेंगे, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब होगा 216 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखिए 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो क्यूब से ही क्यूब रूट कट गया, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। साइड ऑफ स्मॉल क्यूब आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। देन आफ्टर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, ऑफ सॉलिड क्यूब फॉर्मूला लगेगा 6a² 6, साइड हमारे 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन आफ्टर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब तो फॉर्मूला ये लगेगा 6a² 6, a हमारा 6 है सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया वो होगा हमारे 6 इंटू 12 इंटू 12, रेशियो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 6 से ये कट जाएगा 12 एंड ये तो आ गया 4:1। तो जो उनके सरफेस का जो एरिया आया दोनों क्यूब का, उनका रेशियो आ गया 4:1। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा, एक नदी 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, उस वो बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। अब क्या कहे, 1 मिनट में कितना पानी समुन्द्र में गिरेगा ये हमें निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ लिखेंगे वाटर फ्लो इन 60 मिनट, जो पानी है वो 60 मिनट में फ्लो करेगा, दिया हुआ 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर। 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो इन 1 मिनट वो आ जाएगा 2000 अपॉन 60, 10 से 10 कट गया, 2 से डिवाइड करो 3 और ये हो गया 100, तो आ गया हमारा 100 अपॉन 3 मीटर। 1 मिनट में 100/3 मीटर वाटर जो है वो फ्लो करेगा। देन आफ्टर डेप्थ ऑफ रिवर, जो नदी की गहराई है वो दी हुई है हमारी 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ रिवर वो हो जाएगा हमारा 40 मीटर। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो पानी फ्लो करेगा उसकी वॉल्यूम निकाली, तो हो गया 3 इंटू 40 इंटू 100/3, 3 से 3 कट गया,
ये आ गया हमारा 4000 लीटर। तो हम कहेंगे हैंस 4000 लीटर ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। एक मिनट में 4000 लीटर पानी समुंदर में गिरेगा।